बुरा न मानो होली है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। रंगों में डूबे इन गानों को सुनकर मन खुश हो जाता है और आंखों को राहत मिलती है, और भी अच्छा सा कलर देखकर हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है, इसलिए हमें होली बेहद पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग न सिर्फ हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, बल्कि रंगों का आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर होता है। जी हाँ, रंग इतने प्रभावशाली हैं कि बीमारियों की रोकथाम तक में आपकी हेल्थ करते हैं। तभी तो बीमारियों को दूर करने में कलर थेरेपी आज की इतनी कामयाब है। तो इस बार होली के मौके पर आप भी अपने लाइफ को रंगों से भर लीजिए और उठाइए इन रंगों का पूरा फायदा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा रंग आपकी लाइफ और हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। हरा रंग। हरे रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। यह तनाव कम करने वाला और राहत देने वाला रंग है। यह हाइजीन और जल्द रिकवरी करने वाला रंग माना जाता है, इसलिए ज्यादातर हॉस्पिटल में हरे रंग का इस्तेमाल होता है। यह आंखों को भी सुकून देता है। इसके अलावा यह रंग निगेटिव भावनाओं और किसी मुश्किल में फंसने के डर से भी आपको बचाता है। पीला रंग। पीला रंग उल्लास और एनर्जी का प्रतीक है। पीला रंग आपकी खुशी और हंसी को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही यह डिप्रेशन को कम करता है। हीलिंग पावर इस रंग की खासियत है। यह रंग ध्यान आकर्षित करता है। पीले रंग की कमी से इंसान को तनावट, थकावट, बेचैनी, डिप्रेशन और कमजोरी आदि हो सकती है। पीला रंग हमारी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। लाल रंग। लाल रंग एनर्जी देने वाला है। यह रंग थकान को दूर करता है और आलसपन कम करता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि लाल रंग की कमी से बॉडी में खून की कमी, सहन शक्ति में कमी, सिर दर्द आदि के रूप में सामने आती है। लाल रंग को सभी रंगों में से सबसे अधिक चटक रंग माना जाता है। एक्सरसाइज के समय इस रंग के कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि यह स्फूर्ति प्रदान करने वाला रंग माना जाता है। अब जब कभी भी आप अपने अंदर एनर्जी की कमी महसूस करें, लाल रंग के कपड़े पहने या लाल रंग को जरूर देखें। नीला रंग। यह रंग शांति व आराम देने वाला होता है। नीले रंग का प्रयोग रचनात्मकता को बढ़ाता है। यह दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज करने में मदद करता है जो रिलैक्स की भावना प्रदान करते हैं। इस वजह से इस रंग से तनाव व चिंता दूर होती है। चूंकि पानी भी पारदर्शी होता है, इसलिए नीले रंग को पारदर्शी रंग माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का मनपसंद रंग रहा है। नारंगी रंग। लाल और पीले रंग को मिलाकर बना केसरिया रंग स्फूर्ति का प्रतीक होता है। जब लगे कि किसी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वह नहीं है, तो इस रंग को आप चुन सकते हैं। यह रंग हमारे मन में इमोशन और एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करता है। यह रंग हमारे अंदर आशा और परिवर्तन का निर्माण करता है। यह दुख और परेशानियां दूर करता है। यह तनाव को भी कम करता है। गुलाबी रंग। गुलाबी रंग प्रेम और तालमेल का प्रतीक है। यह दोनों ही भाव महिलाओं में बखूबी होते हैं, इसलिए इसे महिलाओं का रंग कहा जाता है। गुलाबी रंग से रंगे एरिया में जो महिलाएं रहती हैं उन पर इस रंग का गहरा असर पड़ता है। तो जब आपको लगे कि आसपास के माहौल से तालमेल बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इस रंग को प्रायोरिटी दें। अब तो आप जान ही गए होंगे कि रंगों का हमारे लाइफ में क्या महत्व है।
तो कलर थेरेपी अपनाएं और खुद को हेल्दी बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।